Morning students, so today we will do brain teaser of unit 10. Okay, so in brain teaser we will do question number 5, 4, 5, 6, and 7, which is very very important. Okay, so what is question number 4? The question number 4 is, this is my dear question number 4. The question number 4 is, the length of a cloth is 1 meter 12 centimeter more than its width. If 1 meter 50 centimeter, if the length, okay, sorry, if the width is 1 meter 50 centimeter, find the length of cloth. मेरा बेटा क्वेश्चन का मतलब क्या है इसमें, आपने ये समझना है. देखो मेरा बेटा, इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज 1 मीटर 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि आपको कपड़े की विड्थ दी गई है, ठीक है, जो उसके लेंथ है वो उससे कितनी ज़्यादा है, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ कि जो मेरे पास क्लॉथ है उसकी विड्थ है 2 मीटर, ठीक है. अगर विड्थ 2 मीटर है और जो लेंथ है वो उससे 1 मीटर ज़्यादा है, विड्थ 2 मीटर है और जो लेंथ है वो 1 मीटर ज़्यादा है, तो बताइए लेंथ कितने हुए कपड़े की, तो आप क्या बोलोगे, 3 मीटर. सेम सम में, जस्ट टर्म थोड़े से जो नंबर है वो डिफरेंट है. तो मैंने क्या लिखा बेटा, जो फर्स्ट लाइन है ये तो इसके स्टेटमेंट नहीं बने. स्टेटमेंट कहाँ से बनेगी, यहाँ से देखो. द विड्थ इज, विड्थ ऑफ क्लॉथ इज कितनी आ गई, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, तो देयर फोर लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ में हम दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस. एक और हिंट है हमारे पास, जब भी बेटा आपको मोर देन नजर आ जाए तो मोर देन का मतलब होता है हमने इस सम में क्या करना है, प्लस करना है. तो मोर देन को अंडरलाइन करिए, मोर देन अंडरलाइन करके लिख दो प्लस, कि ये सम काय का हुआ मेरा बेटा, प्लस का हुआ, ठीक है. देखिए, तो हमने लिख दिया विड्थ ऑफ अ क्लॉथ, क्लॉथ की विड्थ दी गई है, विड्थ ऑफ अ क्लॉथ इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, क्लियर. तो देयर फोर लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ पूछी गई है, पूछा ना फाइंड ऑफ क्लॉथ, फाइंड दी लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या आ जाएगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो दोनों को 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2, 5 + 1, 6, मीटर मीटर मीटर, 1 + 1, 2, तो 2 मीटर 62 सेंटीमीटर, ठीक है. जहाँ पे भी आपको मोर देन नजर आता है मेरा बेटा, वो सम का एक होता है, प्लस का होता है, ठीक है. नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेक्स्ट सम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम. क्वेश्चन है मेरा बेटा, अ फ्रूट सेलर परचेस्ड 19 kg 750 ग्राम एप्पल्स एंड 25 kg 525 ग्राम मैंगोस, कि फ्रूट सेलर ने इतने केजी एप्पल खरीदे और इतने केजी मैंगो खरीदे, करेक्ट. तो इफ ही सेल्स 11 kg 600 ग्राम एप्पल्स एंड 23 kg 345 ग्राम मैंगोस, फाइंड द वेट ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट टू बी सोल्ड. आप बोलोगे मैम लेफ्ट नजर आया तो ये माइनस का सम है, बट लेकिन इससे पहले इस सम में बहुत कुछ है, तो मैं आपको पहले वो क्लियर कर देती हूँ, जब आपको समझ आ जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी. जैसे मेरा बेटा क्या बोलता है क्वेश्चन में, कि फ्रूट सेलर ने परचेज, परचेज मीन्स खरीदा 19 kg एप्पल एंड 25 kg मैंगो. जस्ट मैं नंबर छोटा करके लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. मेरा बेटा मान लो ये आप खड़े हो, आप मार्केट में गए, आपने क्या किया, 20 kg एप्पल ले लिए एग्जाम्पल के लिए और 30 kg आपने मैंगो ले लिए, ठीक है. घर आ गए आप, कितना हो गया आपके पास टोटल फ्रूट्स, कितने हो गए टोटल वेट, कितना हो गया फ्रूट्स का टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, कितना हो गया मेरा बेटा, 20 kg एप्पल लेके आए, 30 kg मैंगो लेके आए, 50 kg टोटल वेट हो गया आपके पास, इतना वेट उठा के आप घर पहुंचे, ठीक है. मान लो जैसे आप घर में पहुंचे और आपके नेबर ने आपसे बोला कि कुछ हमें बेच दो, आपके पास बहुत है आप हमें कुछ बेच दीजिए. तो देखिए जैसे यहाँ पे पहुंचा, इफ ही सेल्स, क्या वर्ड है, ही सेल्स 11 kg 600 ग्राम एप्पल एंड 23 kg 345 ग्राम मैंगो. सेल्स मीन्स अब उसने बेच दिए, तो वही बात है. मान लो आपने क्या किया, अपने पड़ोसी को एप्पल कितने थे, 20 kg, आपने 10 kg एप्पल उसको बेच दिए, करेक्ट. 30 kg क्या थे आपके पास, मैंगो, 30 में से आपने 20 kg मैंगो दे दिए उसको, तो बताइए टोटल कितना सेल किया उसने, वेट ऑफ फ्रूट सोल्ड,
कितना बेच दिया आपने, ये सोल्ड था, कितना बेच दिया आपने, 10 + 20 30 kg, मतलब टोटल था 50 kg, आप 50 kg लेके आए, 30 kg आपने बेच दिया, तो कितना लेफ्ट बचा, वेट लेफ्ट, वेट ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट कितना बचा आपके पास, 50 टोटल लेके आए उसमें से 30 kg बेच दिया तो आपके पास 20 kg लेफ्ट बचा। तो ये क्वेश्चन है आपका, आया समझ। मान लो मैंने क्या बोला, आप मार्केट गए, मार्केट से 20 kg आपने एप्पल लिए, 30 kg आपने मैंगो लिए, करेक्ट। आप उठा के ले आए घर, कितने थे टोटल, 50 kg वेट उठा के लेके आए आप, ठीक है। आते ही आपसे पड़ोसी ने बोला कि यार कुछ मुझे बेच दो, तो उसने क्या किया, आपने क्या किया, 20 kg एप्पल में से 10 kg आपने अपने पड़ोसी को दे दिए, बेच दिए, 30 kg मैंगो में से 20 kg आपने पड़ोसी को दे दिए, कितने बेच दिए आपने, कितना वेट बेच दिया टोटल, 20 + 10 30 kg आपने बेच दिया, लेके कितने आए थे, 50, तो कितना बचा आपके पास, 20 kg। तो ये था सब मेरे बेटा। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो हमने लिखना शुरू किया, देखो अब हम एग्जैक्ट सम करेंगे। ए फ्रूट सेलर परचेस्ड एप्पल्स, कितने परचेज किए एप्पल, 19 kg 750 g, इतने एप्पल खरीद लिए। अ फ्रूट सेलर परचेस्ड मैंगो, मैंगो कितने खरीदे, 25 kg 525 g, तो एप्पल और मैंगो दोनों खरीद लिए, टोटल वेट कितना हो गया फ्रूट्स का, तो वेट ऑफ परचेस्ड फ्रूट्स, परचेज मतलब जितना आपने खरीदा, परचेज फ्रूट्स का वेट प्लस कर लीजिए, 19 kg 750 g प्लस 25 kg 525 g, ग्राम ग्राम ग्राम, 0 + 5 5 5 + 2 7 5 7 + 5 12 2 1 कैरी, 10 + 5 15 1 कैरी, 2 3 4, तो 45 kg 275 g इतना वेट उठा के आप घर पहुंच गए, ठीक है, ले लिया आपने। अब आपने बेच दिए, कितना बेचा, ही सेल्स एप्पल, एप्पल थे उसके पास 19 kg 750, उसमें से उसने 11 kg 600 बेच दिया, कितने बेच दिए एप्पल, ही सेल्स 11 kg 600 g एप्पल बेच दिए, करेक्ट। ही सेल्स मैंगो, मैंगो कितने बेचे, 23 kg 345 g, इतने उसने मैंगो बेच दिए, तो अब उठा के वो 45 kg 275, इतना वेट उठा के आया था, बेच कितना दिया, 11 kg 600 g एप्पल और 23 kg 345 g मैंगो बेच दिए, तो वेट ऑफ सोल्ड फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स बेचे, कितना वेट रहा आप, अब आपके पास सोल्ड फ्रूट्स, कितना वेट आपने बेच दिया, दोनों को प्लस कर, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, लीजिए 11 kg 600 g प्लस 23 kg 345 g, ग्राम ग्राम ग्राम, 0 + 5 5 0 + 4 4 6 + 3 9 kg kg kg, 3 + 1 4 2 + 1 3, तो 34 kg 945 g, मतलब 45 kg वेट था आपके पास टोटल, उसमें से 34 आपने बेच दिया, बेच दिया, आपके पास कितना वेट बचा, तो देयरफॉर वेट ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट टू बी सोल्ड, बेचने के लिए कितना आपके पास वेट बचा, तो देयरफॉर वेट ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट टू बी सोल्ड इक्वल टू 45 kg था, 45 kg 275 g माइनस 34 kg 945 g, करेक्ट। ग्राम ग्राम ग्राम, 5 - 5 0 7 - 4 3, कैरी लिया 12 - 9 3, 4 बचिया, kg kg kg, 4 - 4 0 4 - 3 1, तो 10 kg 330 g आपके पास इतना वेट बचा, समझ आई मेरा बेटा। हमने क्या किया, पहले उसने आपने एप्पल मैंगो खरीदे, फिर आप घर आ गए, वहाँ से आपने एप्पल में से कुछ एप्पल पड़ोसी को दे दिए, कुछ मैंगो भी दे दिए, कितना वेट बेच दिया, तो आपने टोटल में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको, कि हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करना है और इन दोनों को भी हमने प्लस करना है, ये जो दो है इनको भी हमने प्लस करना है, और जब दोनों के आंसर में से इन दोनों के आंसर को माइनस कर देना और आपका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया बॉट 5 kg ऑफ आलमंड्स, शी गेव 800 g टू हर मेड एंड 1 kg 300 g ऑफ टू हर नेबर, हाउ मच आलमंड्स आर लेफ्ट विद रिया, क्लियर है। क्या किया मेरा बेटा, रिया शॉप में गई, रिया ने क्या किया, 5 kg आलमंड लेके आएगी, सिंपल से क्वेश्चन एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पहले रिया 5 kg आलमंड लेके, आलमंड मीन्स बादाम लेके घर पहुँच गई, ठीक है। अब उसने क्या किया, 1 kg उसने अपनी मेड को दे दी कि तू ले जा अपने घर, ठीक है, और
2 kg उसने अपने पड़ोसी को दे दिए, नेबर को दे दिए, तो कितने उसने बेच दिए टोटल? 1 kg नेबर, 1 kg मेड को दिया और 2 kg नेबर को, तो 2 + 1 3 kg, मतलब टोटल वो 5 kg लेके आई और 3 kg उसने बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे टोटल? 2 kg। तो वही समय हमारे पास, हमने क्या करना है मेरे बेटा, लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सम। क्या क्वेश्चन है? 6 है, रिया बॉट आलमंड्स, कितने आलमंड लेके आई वो? 5 kg। रिया बॉट आलमंड्स इक्वल टू 5 kg। शी गेव आलमंड्स टू हर मेड, अपनी मेड को कितने दिए उसने? 800 ग्राम। शी गेव आलमंड्स टू हर मेड, शी गेव आलमंड्स टू हर मेड, कितने दिए मेरे बेटा? 800 ग्राम। अब शी गेव आलमंड्स टू हर नेबर, शी गेव आलमंड्स टू हर नेबर, नेबर को कितने दिए? इक्वल टू 1 kg 300 ग्राम। नेबर को 1 kg 300 ग्राम और मेड को 800 ग्राम, तो कितने उसने टोटल दे दिए? तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो उसने कितने दे दिए मेरा बेटा आलमंड्स? तो आलमंड्स उसने दिए, शी गेव टोटल आलमंड्स, कितने आलमंड्स उसने दे दिए टोटल? 1 kg 300 ग्राम ये दिए थे नेबर को और 800 ग्राम दिए थे मेड को। अब ग्राम के नीचे ग्राम ऐड करना, ये हमेशा याद रखना मेरा बेटा, 800 ग्राम दिया है तो 0.008। अब किलोग्राम के नीचे कुछ भी नहीं है, तो किलोग्राम के कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? देखो इसने सिर्फ 800 ग्राम दिए थे, तो याद रखना ग्राम के नीचे ग्राम आता है, तो ग्राम और 800 ग्राम आ गए, और किलोग्राम नहीं था तो वहां पे क्या आ गया? 0। तो ग्राम ग्राम ग्राम, 0 + 0 0 0 + 0 0, 8 + 3 11, 11 का 1 1 कैरी चला गया, किलोग्राम किलोग्राम, 1 + 1 2, तो मतलब 5 kg लेके आई थी और 2 kg उसने दे दिए। ठीक है, तो क्या आ गया? तो देयरफोर आलमंड्स आर लेफ्ट विद रिया, रिया के पास कितने आलमंड्स बचे? तो टोटल कितने लेके आई थी? 5 kg, मैंने 5 kg लिख दिया। अब बेटा ध्यान देना, 5 kg दिया था, ग्राम उसमें नहीं दिया था। अगर ग्राम कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 0.00 ग्राम। करेक्ट, 5 kg, 0.00 ग्राम, माइनस लास्ट से शुरू करें, ग्राम के नीचे ग्राम 0.01, kg के नीचे kg और 2। देखो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख दिए, बट लेकिन 5 किलोग्राम के पास ग्राम नहीं थे, तो जिसके पास कुछ नहीं हो तो उसके पास क्या था? 0.00 होता है, तो इसलिए मैंने 3 0 लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ग्राम ग्राम ग्राम, 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1, तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे किससे? 5 से, 5 ने 1 कैरी दिया, ये 10 बन गया, और यहाँ कितना बच गया? 4। तो 10 - 1 कितना हो गया? 9, और 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 kg 900 ग्राम, 2 kg 900 ग्राम। तो इतने उसके पास क्या बच गए मेरा बेटा? आलमंड्स। मतलब एग्जाम्पल मैंने दिया था, 5 kg आलमंड्स रिया लेके आई है, 1 kg अपनी मेड को दे दिए और 2 kg अपने नेबर को दे दिए, तो उसके पास कितने बच गए? 2 और + 1 3, तो 5 - 3 कितना हो गया? 2 kg। तो सिंपल ये था, जस्ट मैंने नंबर को चेंज किया था। क्लियर? नेक्स्ट समय हमारे पास, सीलू वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हरसेल्फ, सीलू अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहती है। शी पोर्स 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर, 75 ml ऑफ रोज सिरप एंड 300 ml ऑफ मिल्क इन अ ग्लास। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक सीलू हैज मेड? व्हाट इज द क्वांटिटी? अब आपने बताना है कितनी क्वांटिटी उसने उस कोल्ड ड्रिंक में डाली। सीधी सी बात है मेरा बेटा, बहुत इजी सम है। आपने सपोज जूस बना रहे हो, आपने क्या किया? पानी डाला, फिर उसमें क्या डाला? रोज सिरप डाला, फिर उसमें क्या डाला? मिल्क डाला, सब एक ही ग्लास में डाला ना, तो मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? तो टोटल मीन्स प्लस करना है हमने, तो स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 की, शीलू पोर्स कोल्ड वाटर इक्वल टू 200 ml, शीलू पोर्स रोज सिरप इक्वल टू 75 ml, शीलू पोर्स मिल्क इक्वल टू 300 ml। करेक्ट, तो देयरफोर टोटल क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक की टोटल क्वांटिटी क्या होगी? इक्वल टू, हम इन सबको प्लस कर लेंगे, तो कैसे करेंगे? 200 ml, फिर ml 75 ml, फिर 300 ml। आपको मैंने बोला है जब सेकंड टर्म की प्लेसमेंट को, तो लास्ट से करें, मिलीलीटर मिलीलीटर, 5 5 7 7,
थर्ड मिलीलीटर मिलीलीटर 00003 का प्लस करेंगे मिलीलीटर 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 573 + 2 575 मिलीलीटर। तो इतनी क्वांटिटी बेटा इसकी बन गई कोल्ड ड्रिंक। ये जस्ट सिंपल सम था हमारे पास एडिशन का। ओके तो इन सम्स को आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है मेरे बेटा, ओके बाय, टेक केयर।